हम आपको हंगामे की अब तस्वीरें दिखाते हैं, अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं जिनके जरिए आप समझ सकते हैं कि तस्वीरें कितनी ये भयावह हो गई थी। आपने तस्वीरें आपसे थोड़ी देर पहले देखी। अब बात करते हैं सुबह की दूसरी बड़ी खबर की। ग्रेटर नोएडा से खबर आई है, यहाँ गलगोटिया कॉलेज के छात्रों ने बीती रात फीस में बढ़ोतरी को लेकर जमकर हंगामा किया। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन और फैकल्टी समेत सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया। मैनेजमेंट के समझाने के बावजूद छात्र किसी की बात सुनने को राजी नहीं हुए। कॉलेज प्रशासन और छात्र बीच में धक्का मुक्की भी हुई। आखिरकार कॉलेज प्रशासन ने थक हार कर पुलिस की सूचना दी। गलगोटिया कॉलेज के छात्रों और प्रशासन के बीच पिछले कई दिनों से फीस बढ़ोतरी को लेकर तनातनी चल रही थी। छात्रों का आरोप है कि कोर्ट आदेश से कॉलेज उनसे पिछले 3 साल की करीब 60,000 रुपए मांग रहा है, जो सरासर गलत है। प्रशासन ने किसी तरह की अनहोनी से बचने के लिए रात से ही पुलिस और पीएसी तैनात कर दी है। गौरतलब है कि गलगोटिया कॉलेज प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद फीस में बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिसका छात्र विरोध कर रहे हैं। सुबह मैं 10 बजे आया हूँ और इसके बाद यहाँ गेट पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई कुछ मैनेजमेंट को स्टूडेंट्स की लेके, कोई फीस का प्रॉब्लम है तो हम लोग तो यहाँ मतलब बिना परपज के यहाँ फंसे हुए हैं और स्टूडेंट्स अभी बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। के थ्रू आया हुआ था, एक भाई का एडमिशन था। अब मॉर्निंग 10 बजे से लेकर के अभी तक ये 1:05 हो रहा है जो कि फंसा पड़ा हूँ। इन्हें थोड़ी सी बेशर्मी नहीं आ रही, हम इसमें बीच में क्या है क्या नहीं है, इनका मैनेजमेंट से क्या बिगड़ा हुआ है या बच्चों का क्या बिगड़ा है आई डोंट नो, बट मैं तो बिल्कुल बेबस हो गया। करने आए थे यहाँ, अंदर फंसे हुए हैं, बच्चों ने हड़ताल कर दी और रखी है, उसके अंदर है मेरे। कब से फंसे हुए अंदर? आज सुबह आए थे काम करने, सवेरे से। ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना इलाके में देर रात एक इंडिको कार ने अचानक आग लग गई। कार सवार चालक अचानक धुआं निकलता देख कार से बाहर निकल गया और 100 नंबर पर सूचना दी, लेकिन दमकल की गाड़ी तकरीबन 1 घंटे बाद पहुंची, जब तक गाड़ी जलकर खाक हो गई। हालांकि गाड़ी में आग कैसे लगी इस बात का खुलासा अभी नहीं हो पाया है। वहीं हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ। कार चालक की माने तो कार से आवाज के बाद उसमें धुआं निकलने लगा। सर ये जहाँ से ये उल्ला टायर बाया, अच्छा, यहाँ से धुआं से निकला। अच्छा, तो मैं तो आ ही रहा था, मुझे पिकअप करने जाना था यहाँ चाई फाई के पास, OHQ है, OHO। अच्छा, अपार्टमेंट वहाँ से पिकअप करना। अच्छा अच्छा, तो यहाँ से जहाँ से ये उल्ला वाला टायर है यहाँ से धुआं से निकला, तो मैंने साइड में लगा के देखूँ क्या हुआ। इतनी देर में सब ये इंजन में फैल गई। आपकी गाड़ी है ये टैक्सी में लगी हुई है? सर टैक्सी में लगी हुई। आ रहा था कोई एक आदमी और अचानक यहाँ पे रोकी, उसमें धुआं निकल रहा था, हम लोग इधर खड़े हुए थे, मिट्टी डलवाई, जब आवाज उसमें धड़ धड़ की आने लगी तो हम लोग दूर।